अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का एक समूह कोर नमूने प्राप्त करने के लिए बर्फ की ड्रिलिंग कर रहा है। जैसे ही ड्रिल नीचे जाती है, उनके शिविर के नीचे बर्फ दरकने लगती है और जल्द ही ड्रिल डूबने लगती है। जेसन भी लगभग गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन जैक और फ्रैंक उसे समय रहते पकड़ लेते हैं। फिर जैक नमूने प्राप्त करने के लिए दरार पर कूदने का जोखिम उठाता है और जब वह वापस कूदता है तो उसके पैरों के नीचे बर्फ टूट जाती है और वह गिर जाता है। शुक्र है कि वह एक कुल्हाड़ी का उपयोग करने में सफल हो जाता है और उसके दोस्त उसे यह देखने के लिए वापस लाते हैं कि पूरी बर्फ की शेल्फ कैसे टूट रही है। कुछ समय बाद जैक नई दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेता है और सभी विश्व नेताओं को बताता है कि पृथ्वी एक नए हिमयुग से गुजरेगी जिससे ग्रह पर सब कुछ जम जाएगा। जब राजनेता पूछते हैं कि कितना समय बचा है तो जैक बताते हैं कि इसमें कुछ सदियां लग सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने जल्द ही जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद नहीं किया तो उनके पोते पोतियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। दुर्भाग्य से राजनेताओं का कहना है कि इसमें बहुत पैसा खर्च होगा और जैक के भाषण को सनसनीखेज दावे कहा जाएगा। इमारत के बाहर लोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक पत्रकार बर्फ पर टिप्पणी कर रहा है जो इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुआ और शहर को अराजकता में डाल रहा है। सम्मेलन के बाद जैक टेरी से मिलता है जो राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के लिए काम करता है। टेरी जैक की बातों से सहमत हैं और वे साझा करने के लिए एक साथ निकल जाते हैं सिद्धांत। कुछ दिनों बाद स्कॉटलैंड में टेरी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक कर्मचारी ने नोटिस किया कि एबोया तापमान में भारी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन उसका सहकर्मी बस यही सोचता है कि एक तेज लहर ने दस्तक दी होगी। लगभग जब टेरी वापस आता है तो वे उसे इसके बारे में नहीं बताते हैं। जापान में यह एक सामान्य बरसात का दिन लगता है जब अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं जिससे वाहन और इमारतें नष्ट हो जाती हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तूफान नोएलानी के बारे में रिपोर्टों ने मौसम विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह अब तक दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली तूफान है और सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के आकाश में असामान्य विशाल तूफानों को देख कर चौंक जाते हैं। इस बीच जैक का बेटा सैम अपने दोस्त ब्रायन और उसकी क्रश लोरा के साथ न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। सैम को उड़ने से डर लगता है और वह तब और भी अधिक घबरा जाता है जब विमान में भारी तूफान आ जाता है जिससे वह हिल जाता है। अचानक पायलट ने घोषणा की कि वे कुछ अशांति से गुजरेंगे, इसलिए हर कोई अपनी सीट बेल्ट बांध लेता है और मजबूती से पकड़ लेता है क्योंकि झटके बदतर हो जाते हैं और बैग पूरे गलियारे में गिरने लगते हैं। शुक्र है कि यह लंबे समय तक नहीं टिकता और सैम को एहसास हुआ कि उसने लोरा का हाथ पकड़ रखा है, इसलिए उसे जाने देना होगा। जब वे न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वे पक्षियों के एक बड़े समूह को पश्चिम की ओर उड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मानो वे किसी चीज से भाग रहे हों। दरअसल खेतों और चिड़ियाघरों में जानवर भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि वे डरे हुए हों। सैम और उसके दोस्त प्रतियोगिता में जाते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सैम यह देखकर खुद को रोक नहीं पाता है कि जेडी नामक दूसरे स्कूल का एक लड़का लोरा के साथ छेड़खानी करता रहता है। बाद में मॉनिटरिंग स्टेशन में टेरी ने अंततः समुद्र के तापमान में गिरावट दर्ज करने वाली बोया को नोटिस किया। कर्मचारी उसे बताता है कि उसने दूसरे दिन क्या देखा, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि कई प्लव एक ही रिपोर्ट भेज रहे हैं जिसका अर्थ है कि यह कोई खराबी नहीं है। टेरी ने जैक को फोन करने और उसे यह बताने का फैसला किया कि उसका सिद्धांत बड़ी तेजी से घटित हो रहा है जो 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के बाद से नहीं हुआ है। इस परिदृश्य की साजिश रचने में सक्षम एकमात्र पूर्वानुमान मॉडल जैक है, जबकि न्यूज़कास्ट में बताया गया है कि तूफान नोएलानी बदतर होता जा रहा है और तटरक्षक ने समुद्र तटों को बंद कर दिया है। कैलिफोर्निया में मौसम निगरानी केंद्र में एक तकनीशियन काम करने के बजाय अपनी प्रेमिका के साथ व्यस्त हो रहा है। वह अचानक एक शोर सुनती है और डर जाती है, लेकिन वह चौकीदार निकला। उसी समय फोन की घंटी बजती है और तकनीशियन को एले में एक रिपोर्टर से संकटपूर्ण कॉल आती है जो बताता है कि गोल्फ गेंदों के आकार के ओलों की बारिश हो रही है। तकनीशियन टीवी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि एले में एक बवंडर बनना शुरू हो रहा है, इसलिए वह अपने बॉस को चेतावनी देने के लिए बुलाता है। आदमी बाहर जाता है और पाता है कि बवंडर औसत से बड़ा है। जैक के पास वापस वह और उसके सहकर्मी समाचार हेलीकॉप्टरों की रिपोर्ट देखते हैं जो फिल्मांकन कर रहे हैं कि कैसे एले के आसपास कई बवंडर बहुत तेजी से बन रहे हैं और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े वाहन भी उड़ जाते हैं और जल्द ही इमारतें भी ढहने लगती हैं। मौसम निगरानी केंद्र भी प्रभावित हुआ और बाद में बमुश्किल खंडहरों पर खड़ा हो सका। जल्द ही राष्ट्रपति सभी हवाई यातायात को निलंबित करने का आदेश देते हैं, लेकिन दो विमान समय पर वापस नहीं आते और मिडवेस्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल चेंज कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जाती है और वे दुनिया भर से अजीब और हिंसक मौसम की रिपोर्ट साझा करते हैं। टेरी की पुष्टि के लिए धन्यवाद। जैक समझा सकता है कि यह उत्तरी अटलांटिक धाराओं के कारण हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही ध्रुवीय बर्फ से प्रभावित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह अभी शुरू हुआ है और यह जल्द ही और खराब हो जाएगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन अभी भी एक सिद्धांत है,
इसलिए जैक के बॉस ने उसे सरकार को भेजने के लिए सबूत खोजने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। फ्रैंक, जेसन और नासा के मौसम विज्ञानी जेनेट की मदद से जैक एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है, इस हद तक कि वह 24 घंटे तक नहीं सोता है। जब वह अंततः एक ब्रेक लेता है तो उसकी टीम कुछ गणनाएं पूरी करने में सफल हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर नए हिमयुग के आने में केवल 6 से 8 सप्ताह बचे हैं। अगले दिन जैक को सैम का फोन आता है जो बताता है कि वह न्यूयॉर्क में फंस गया है क्योंकि नहीं रुकने वाली बारिश से शहर में बाढ़ आ गई है और कई जगहें बंद हो गई हैं। फोन रखने के बाद उसे पता चला कि जेडी उसके समूह को अपने फैंसी अपार्टमेंट में रहने की पेशकश कर रहा है। जबकि खराब मौसम अभी भी डीसी तक नहीं पहुंचा है, लोग पहले से ही घबरा रहे हैं और सुपरमार्केट पर छापा मार रहे हैं। जैक उपराष्ट्रपति से मिलता है और उसे बताता है कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उन्हें खाली करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति उसे नजरअंदाज कर देता है। इस बीच उत्तर यूरोप में पिछले 24 घंटों से इतनी तेज गति से बर्फबारी हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। शाही परिवार को वापस लाने के लिए एक खोज और बचाव दल भेजा जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टरों की दृश्यता शून्य होती है और वे तूफान के बीच उड़ जाते हैं। जल्द ही हेलीकॉप्टरों के उपकरण और ब्लेड जमने लगते हैं जिससे वे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। केवल एक पायलट जीवित बच पाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर देखता है वह मर जाता है। टेरी इस घटना के बारे में सुनता है और जैक को गोपनीय डेटा भेजता है क्योंकि उसके पास इसका विश्लेषण करने के लिए अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। इस तरह उन्हें पता चलता है कि जमीन पर एक तूफान बन रहा है जो कि घटित नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में पहले से ही 3 दिनों से बारिश हो रही है और सभी ट्रेनें निलंबित कर दी गई हैं और अब सड़क के मैनहोल से पानी बाहर निकल रहा है। कनाडा में समुद्र कुछ ही सेकंड में 25 फीट ऊपर उठ गया और भयानक तूफान भी आया। दरअसल उष्णकटिबंधीय तूफान की खबरें हैं। सैम और उसके दोस्त देखते हैं बिजली जाने से ठीक पहले टीवी पर ये रिपोर्टें आती हैं और जेडी घोषणा करता है कि वह उसे लेने जाना चाहता है भाई, तो वह समूह को भी एक सवारी देने की पेशकश करता है। जब वे इमारत से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि शहर में पूरी तरह से अराजकता है और बाढ़ बढ़ रही है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए स्थानीय चिड़ियाघर के कर्मचारी पता लगाएं कि भेड़िया भाग गए हैं। हालांकि कई लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय में छिपने के लिए दौड़ रहे हैं, एक बेघर आदमी को उसके कुत्ते के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पानी के कारण वाहन अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कई लोग अपनी कारों के अंदर फंस गए हैं। सैम का समूह भी लाइब्रेरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन लौरा कार में एक परिवार की मदद करने के लिए वहीं रुक जाती है। इस प्रक्रिया में उसका पैर घायल हो जाता है। अचानक कहीं से एक विशाल सुनामी आती है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से टकराती है और धीरे धीरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। सैम लौरा को पकड़ने और उसे लाइब्रेरी में लाने के लिए सड़क पर वापस दौड़ता है, इससे ठीक पहले कि लहर क्षेत्र को कवर कर ले और लाइब्रेरी की पहली मंजिल के अंदर भी पहुंच जाए। कुछ क्षण बाद जैक ने अपनी गणना पूरी की और टेरी को फोन करके बताया कि हवा बहुत तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में तूफान पैदा हो रहे हैं जो बड़े होते जा रहे हैं और जल्द ही अन्य क्षेत्रों तक पहुंच जाएंगे। उनका 6 सप्ताह का अनुमान गलत था। नए हिमयुग को शुरू होने में केवल 48 घंटे लगेंगे। इसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते, वे केवल जीवन बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसी समय जैक को न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है इसकी सूचना मिलती है और वह अपनी पत्नी लुसी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। न्यूयॉर्क में कुत्ते सहित सभी जीवित बचे लोग लाइब्रेरी में आराम पाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के भी फोन पर सेवा नहीं है, इसलिए सैम एक पेफोन की तलाश करता है। वह उसे ढूंढने के लिए पानी से भरे फर्श में उतरता है और तुरंत अपने माता पिता को फोन करके बताता है कि वह ठीक है। जैक ने उसे बताया कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसने अपने बेटे को अंदर रहने के लिए कहा क्योंकि तूफान बदतर हो जाएगा और बाहर हर कोई मर जाएगा। इस मंजिल पर पानी दूसरे क्षण तक बढ़ जाता है और बाढ़ छत तक पहुंच जाती है, जिससे कॉल समाप्त हो जाती है। एक पल के लिए लौरा को लगा कि सैम डूब गया है, लेकिन सौभाग्य से वह तैरकर बाहर निकलने में सफल हो गया। फिर लौरा सैम के लिए सूखे कपड़े खोजती है और अपने शरीर की गर्मी साझा करने के लिए उसे गले लगा लेती है। कुछ क्षण बाद हर किसी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और जब वे बाहर देखते हैं तो वे एक मालवाहक जहाज को बाढ़ वाली सड़कों से गुजरते हुए देखकर चौंक जाते हैं, जो अपने नीचे वाहनों को कुचल रहा है। इस बीच जैक ने फैसला किया कि वह खतरे की परवाह किए बिना अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा। उसके बॉस को पता है कि वह उसे रोक नहीं सकता, लेकिन पहले वह उसे सरकार के साथ फिर से प्रयास करने के लिए कहता है क्योंकि इस बार उनकी खुद राष्ट्रपति के साथ बैठक है। बैठक के दौरान जैक ने एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी और सुझाव दिया कि उत्तर के लोगों को जितना संभव हो सके दक्षिण की ओर जाना चाहिए, शायद मैक्सिको तक भी। उपराष्ट्रपति फिर से जैक की हर बात को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति की टीम ने उन्हें इस बात के लिए डांटा कि जब उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था तब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। योजना को आसान बनाने के लिए जैक संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र पर उन सभी लोगों के बारे में एक पंक्ति लिखता है जिन्हें अभी भी निकाला जा सकता है और बताता है कि दुख की बात है कि दूर के लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति रुक जाएगा। जैक के जाने के बाद उपराष्ट्रपति निकासी के खिलाफ फिर से विरोध करने की कोशिश करता है,
लेकिन राष्ट्रपति उसे नजरअंदाज कर देते हैं और जैक की योजना को मंजूरी दे देते हैं। टेरी के स्टेशन में वापस इमारत में बिजली चली जाती है और टीम शराब पीने का फैसला करती है, क्योंकि वे ऐसा नहीं करते हैं, सोचो उन्हें बचा लिया जाएगा। न्यूयॉर्क में पुस्तकालय भी सत्ता से बाहर है। बेघर आदमी ने देखा कि बाढ़ जम गई है और लोग दक्षिण की ओर जाने के लिए बर्फ पर चलने के मौके का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए पुस्तकालय में बचे लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार होने लगते हैं। जैक ने जो कहा उसके बारे में बताकर सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर भी वे चले जाते हैं। केवल एक छोटा समूह पीछे रहता है और क्योंकि तापमान इतनी तेजी से गिर रहा है, उनके पास जगह को गर्म करने के लिए किताबें जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए वेंडिंग मशीनों को भी तोड़ देते हैं और कालीनों को कंबल के रूप में उपयोग करते हैं। शहर के बाहर लोग ठंड से पीड़ित हैं और पुस्तकालय छोड़ने का अफसोस कर रहे हैं, उनमें से कुछ की मृत्यु भी होने लगी है। इस बीच मेक्सिको ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, क्योंकि वह अब और अमेरिकी शरणार्थियों को नहीं संभाल सकता। सभी सड़कें ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं, इसलिए लोग अवैध अप्रवासी के रूप में मेक्सिको पहुंचने के लिए नदी पार करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद यातायात अंततः फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक समझौते पर पहुंच गए हैं। वह सीमाइमन खोलने के बदले में सभी लैटिन अमेरिकी आरन माफ कर देंगे। डीसी के एक अस्पताल में लूसी अपने एक मरीज को पढ़ रही थी, तभी उसे एक बुरी खबर मिली। लोग घबरा गए और भाग गए, इसलिए वहां कोई एम्बुलेंस नहीं बची। एक सहकर्मी का कहना है कि वहां बर्फ काटने वाली मशीन वाला एक पुलिसकर्मी है जो मदद कर सकता है, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस के अलावा किसी और चीज में नहीं ले जाया जा सकता है। लूसी अपने सहकर्मी को वहां से चले जाने के लिए कहती है, जबकि वह बच्चे के साथ रहकर उचित मदद का इंतजार करती है। जैक के पास वापस वह सैम को बचाने के लिए फ्रैंक और जेसन से मदद पाकर आश्चर्यचकित है। अंटार्कटिका के लिए बनाए गए विज्ञान उपकरणों का उपयोग करते हुए वे अपने ट्रक में जमी हुई भूमि को पार करते हैं, लेकिन अंततः वाहन एक सड़क अवरोध से टकरा जाता है। अब उनके पास स्नोशूज का उपयोग करके और रस्सी से जुड़े रहने के अलावा पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे कुछ घंटों तक लगातार चलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बर्फ के कारण वे नहीं जानते कि वे किस पर कदम रख रहे हैं। और एक बिंदु पर वे एक इमारत के शीर्ष पर चलते हैं, शीशा टूट जाता है और फ्रैंक तुरंत उसमें गिर जाता है और अन्य लोगों को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। जैक फिर से अपनी कुल्हाड़ी से गिरने को रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके नीचे का कांच भी टूटने लगता है। पहले फ्रैंक ने उनके मुख्य आपूर्ति बैग को मुक्त करने के लिए रस्सी के सिरे को काट दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए फ्रैंक ने अपनी रस्सी को भी काट दिया। जैसे ही फ्रैंक गिरकर मर गया, उसके दोस्त उसके लिए चिल्लाने लगे। बाद में जैक और जेसन ने रात बिताने के लिए एक तंबू लगाया। अस्पताल में आखिरकार लूसी और मरीज को लेने के लिए एक एम्बुलेंस आती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को भी निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उपराष्ट्रपति को खबर मिलती है कि राष्ट्रपति तूफान में फंस गए हैं और नहीं पहुंच पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री देखते हैं कि कैसे एक विशाल बादल ग्रह को ढक रहा है और जेनेट को भेजने के लिए कुछ तस्वीरें लेते हैं। जैसे ही वह उन्हें देखती है, वह भविष्यवाणी करती है कि कनाडाई तूफान एक घंटे में न्यूयॉर्क से टकराएगा। लाइब्रेरी में लोरा को नींद नहीं आ रही है, इसलिए सैम उससे बात करता है और अंततः अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। लोरा उसे छूमकर जवाब देती है। सुबह में समूह को पता चला कि लोरा बुखार के कारण बेहोश हो गई है। वे एक दवा की किताब में लक्षणों को देखते हैं और उसके पैर की जांच करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि पिछले दिन के कट के कारण उसे रक्त विषाक्तता हो गई है। पुस्तक में कहा गया है कि उसे तुरंत पेनिसिलिन की आवश्यकता है, अन्यथा वह पैर खो देगी। इसलिए सैम ने दवा की खोज के लिए मालवाहक जहाज में जाने का फैसला किया और ब्रायन और जेडी ने स्वेच्छा से मदद की। तीनों जल्दी से जहाज पर पहुंचे, इस बात से अनजान कि उनकी गंध चिड़ियाघर से भागे भेड़िए उठा रहे हैं। अस्पताल का दरवाजा बंद है, इसलिए सैम गलियारे की खिड़की से बाहर जाता है और सावधानी से दीवार पर चढ़ जाता है। वह अस्पताल की खिड़की तोड़ता है और अंदर आता है, जहां वह अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोलता है और ब्रायन को पेनिसिलिन मिलता है। सैम तुरंत वापस जाना चाहता है, लेकिन ब्रायन और जेडी का कहना है कि उन्हें खाना भी मिलना चाहिए। जब वे रसोई में थे, अचानक तीनों को भेड़िए मिल गए, जो जहाज से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक भेड़िया जेसन के पैर को काटने में कामयाब हो जाता है, इसलिए सैम उसके सिर पर तब तक वार करता है जब तक कि वह अपने दोस्त को छोड़ नहीं देता और वे अपने पीछे का दरवाजा बंद नहीं कर लेते। उस क्षण तूफान की नजर अंततः न्यूयॉर्क पर छा जाती है। सैम ने इसे नोटिस किया और एक योजना बनाई। वह भेड़ियों को कमरे से बाहर निकाल देगा ताकि उसके दोस्त दरवाजा बंद कर सकें। फिर सैम खिड़की का पुनः उपयोग करने के लिए बाहर की दीवार को पार करता है, लेकिन गलती से उसका कदम टूटे शीशे पर पड़ जाता है और योजना से पहले ही भेड़ियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह तेजी से भागना शुरू कर देता है और कुछ मोड़ के बाद वह उन्हें गलियारे में ले जाने और दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। भेड़िए रसोई तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए गलियारे के दूसरे छोर पर जाते हैं, लेकिन ब्रायन और जेडी ने पहले ही उस दरवाजे को भी बंद कर दिया है और अब वे आपूर्ति एकत्र कर रहे हैं। वे सारा सामान और एक घायल जेडी को एक नाव पर रखते हैं और उसे जहाज से बाहर खींचते हैं।
उसी समय उनके आसपास की इमारतें जमने लगती हैं और गिरने लगती हैं। ब्रायन और सैम को जेडी को उठाना है और लाइब्रेरी में भागना है, जहां वे बाकी इमारत के जमने से ठीक पहले गर्म कमरे में प्रवेश करते हैं। समूह तुरंत आग को मजबूत बनाने पर काम करता है। जमे हुए परिदृश्य पर जैक और जेसन आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंततः थकावट के कारण जेसन गिर जाता है और जैक को उसे बर्फ के बीच खींचना पड़ता है। जब उसे तूफान की आंख का पता चलता है तो वह तुरंत बर्फ में खुदाई करना शुरू कर देता है और एक खुला वेंट ढूंढता है, जिसके माध्यम से वह जेसन और खुद को इस क्षेत्र के जमने से ठीक पहले फेंक देता है। कुछ घंटों बाद जेसन उठा और पाया कि तंबू ऊपर उठा हुआ है और कुछ आग लगी हुई है। जैसे ही जैक उसे देखता है वह आगे बढ़ना चाहता है। जेसन के इंतजार करने के विचार को नहीं सुनता, क्योंकि जैक को लगता है कि सैम लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जैसे ही जैक और जेसन तूफान से गुजरते हैं, उनका सामना हर जगह जमे हुए शवों से होता रहता है। वे केवल रात के दौरान तंबू में सोने के लिए रुकते हैं और जैक टिप्पणी करते हैं कि मानवता हिमयुग से बच गई, लेकिन अगर वे अब से अधिक सावधान नहीं रहेंगे तो वे इस युग से नहीं बच पाएंगे। कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने नोटिस किया कि यूरोप में तूफान फैल रहा है और अंततः उन्हें फिर से जमीन देखने को मिली। उसी समय जैक तंबू से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान साफ हो गया है। अब उसके और जेसन के लिए चलना आसान हो गया है और वे जल्द ही न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से जमी हुई थी और जहाजों का एक समूह बर्फ में फंसा हुआ था। जब जीपीएस इंगित करता है कि वे लाइब्रेरी के शीर्ष पर खड़े हैं, तो जैक यह जानकर निराश हो जाता है कि उसका बेटा बर्फ में दब गया होगा। हार मानने से इनकार करते हुए दोनों बर्फ में एक रास्ता ढूंढते हैं और एक खिड़की के माध्यम से इमारत में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं, वे आशा खोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंततः उन्हें एक दरवाजे के नीचे रोशनी दिखाई देती है और उसे खोलने पर समूह जीवित और स्वस्थ पाया, यहां तक कि लोरा भी बेहतर महसूस कर रही है। सैम और जैक तुरंत गर्मजोशी से गले मिले। कुछ समय बाद मैक्सिको में उपराष्ट्रपति ने नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और पुस्तकालय में बचे लोगों के बारे में सुनने के बाद उन्होंने टीवी पर घोषणा की कि वह गलत थे और वह फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू करेंगे। जल्द ही हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और कुत्ते सहित समूह को ले जाते हैं। उन्हें अन्य इमारतों में भी कई जीवित बचे लोग मिले। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं और देखते हैं कि यह अब तक की सबसे साफ हवा है।